हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। तो फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं शेषफल वाले प्रश्नों का पार्ट 4। ठीक है, तो देखिए इन्हें एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2 की पावर 67 को 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए हमारे पास दिया गया है 2 की पावर 67 को हमें डिवाइड करना है किससे, 10 से। तो देखिए नॉर्मल कंडीशन में हम क्या करते थे, दोनों की ये अंश की पावर को इस तरीके से तोड़ लेते थे कि अंश और हर में एक का क्या आ जाए, डिफरेंस हो जाए। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको पावर इस तरीके से नहीं टूट पाएगी या आप नहीं तोड़ पाएंगे इसे, तब हमें क्या करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो देखिए हम 2 की पावर 67 को लिख लेते हैं 2 into 2 की पावर 66 अपॉन 10 को लिख लेते हैं 2 into 5। ठीक है, देखिए 2 से 2 क्या हो गया, यहाँ कट हो गया। तो अब हमने क्या, हमारे पास क्या बचा, 2 की पावर 66 अपॉन 5। देखिए अब हम 2 की पावर 66 को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो 2 की पावर 66 को हमने ब्रेक किया 2 की पावर 2 और इस पूरे की पावर कितना, 33 अपॉन 5। ठीक है, तो ये क्या बना, ये हो जाएगा 4 की पावर 33 अपॉन 5, क्योंकि 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4। तो देखो अब अंश और हर में क्या हो गया, एक का डिफरेंस हो गया। अब ये पुराने वाला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, हमने बताया था अगर अंश छोटा हो और हर क्या हो, बड़ा हो, तो जो शेषफल आता है वो माइनस का बनाता है और उसके बाद अंश वाली पावर इस पर हम लगा देते हैं। ठीक है, यानी माइनस 1 की पावर एक विषम संख्या है, तो क्या आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 ही आएगा। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में हमारा यही आंसर होता था, लेकिन चूंकि हमने अंश और हर में से यहाँ पर क्या किया है, एक ही पावर को क्या कर दिया है, कट कर दिया है। ठीक है, तो अब जब हमने क्या किया है, इसमें से एक पावर को क्या किया है, कट किया है। तो देखिए इस कंडीशन में हम कैसे करेंगे। ठीक, तो पहले तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इस कंडीशन में क्या करेंगे, हमारे पास आंसर बचा माइनस के 1, तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि शेषफल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, अंश हर में प्लस कर देंगे क्या, माइनस का 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या चीज, 4। ठीक, अभी भी ये हमारा आंसर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ अंश और हर में से 2 कट किया है। तो जो सही शेषफल होगा, जो भी हमने कट किया है अंश और हर में से, उसकी क्या कर देंगे, जो शेषफल आया उससे मल्टीप्लाई, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 8। यानी जो सही में शेषफल बचेगा वो क्या होगा, 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 की पावर 500 को 500 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए इसको भी हम क्या करते हैं, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो 5 की पावर 500 को भाग करेंगे किससे, 5 से। तो अब इसकी पावर को इस तरह नहीं तोड़ा जा सकता कि इसमें क्या हो जाए, सॉरी यहाँ है 500, कि इसमें एक का शेष बचे। तो हम इसे कैसे ब्रेक करेंगे, हम इसे लिखेंगे 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 497 बटे 500 को भी हमने क्या लिख लिया, 5 की पावर 3 गुणा 4। ठीक है, क्योंकि 125 125 125 125 की 4 से गुणा करेंगे तो 500 आएगा। देखिए 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कट गया और यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, 5 की पावर 497 बटे 4। ठीक है, अब देखो इन दोनों में एक का अंतर आ गया, यानी अगर अंश बड़ा है और हर छोटा है तो हमारे पास शेषफल आएगा 1 और इस पर पावर लगा देंगे अंश वाली 497, यानी हमारे पास आ गया 1। ठीक है, तो हमें पता है ये अभी भी क्या है, हमारा उत्तर नहीं है। अगर ये माइनस आता तो हमें क्या करना था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। अब देखिए ये 1 आ गया, लेकिन हमने क्या किया, ये भी अभी सही शेषफल नहीं होगा, सही आंसर होगा जो भी हमने अंश और हर में से कट किया है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, यानी 5 की पावर 3 की। 5 की पावर 3 हो जाएगा यानी 1 into 125, यानी सही में शेषफल बचेगा 125। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस एसएससी एमटीएस में भी पूछा जाता है और कई बार टेट और सुपर टेट में भी पूछा गया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो बनाता रहूँ।